दोस्तों जय श्री राम। मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही YouTube चैनल एस्ट्रो विद शर्मा जी में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्य जो कुंडली के पंचम भाव में कैसा परिणाम देंगे। वस्तुतः अभी हम एक सीरीज ही चला रहे हैं जिसमें सूर्य देव का 12 अलग अलग भाव में क्या परिणाम होगा, इस विषय वस्तु पर हम बात कर रहे हैं। आज का हमारा विषय वस्तु है सूर्यदेव कुंडली के पंचम भाव में कैसा परिणाम देंगे। सूर्यदेव कुंडली के पंचम भाव में कैसा परिणाम देंगे, यह जानने के पहले हमें यह जानना होगा कि सूर्यदेव क्या है और कुंडली का पंचम भाव क्या है। जैसे ही हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो स्वमेव उससे संबंधित फलादेश हमारे सामने आ जाएगा। सूर्यदेव है आत्मा के कारक, सूर्यदेव है पिता के कारक, सूर्यदेव है इनर सेल्फ के कारक, सूर्यदेव है हमारे कॉन्फिडेंस के कारक, सूर्यदेव है रिलायबिलिटी के कारक, सूर्यदेव है अग्नि तत्व, सूर्यदेव है हड्डी के कारक। इन सारा चीजों का कारकत्व सूर्यदेव के पास है। सूर्यदेव है शासन के कारक, सूर्यदेव है शासकीय नौकरी के कारक, सूर्यदेव है धर्म के कारक, सूर्यदेव है भाग्य के कारक। इन सारी चीजों का कारकत्व है सूर्यदेव के पास। कुंडली का पंचम भाव, कुंडली का पंचम भाव दिखाता है उच्च शिक्षा को, लव रोमांस बच्चा, लोअर लेवल ऑफ चेस्ट स्टमक बेली, इन सब चीजों को दिखाता है पंचम भाव। कॉमन सेंस मैनेजमेंट, लोगों से बातचीत करना, मीडिया कम्युनिकेशन इंटरटेनमेंट, इन सारी चीजों का कारकत्व है पंचम भाव के पास। इन सारी चीजों को हम देखते हैं कुंडली के पंचम भाव से। अब बात यह है सूर्यदेव जब पंचम भाव में आकर बैठेंगे तो कैसा परिणाम देंगे। सबसे पहली बात, सूर्यदेव उच्च शिक्षा के भाव में जब आकर बैठते हैं स्वयं राजा होकर, पंचम भाव है उच्च शिक्षा का भाव, और वहां पर जब राजा आकर बैठेगा तो सबसे पहले लोगों को उच्च शिक्षा का लाभ देता है। और कैसा उच्च शिक्षा का लाभ, जहां पर वह लीड कर सके, उसके नीचे में 10-20 लोग काम कर सके, किसी विभाग का HOD होना पंचम भाव का सूर्य देता है, ठीक है। नंबर दो, चौथा भाव है जनता का, और पंचम भाव जो है चौथे से दूसरा है। चौथा भाव जनता का भाव है और पंचम भाव जो है वह चौथे से दूसरा है, तो जनता के धन को दिखाता है। तो जब वह जनता के धन को दिखाएगा तो जनता के धन को कौन खाता है, पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट दिखाएगा। या तो ऐसे लोग पॉलिटिशियन होते हैं या पॉलिटिक्स में इनका इंटरेस्ट होता है। ऐसे लोग जब न्यूज चैनल चालू करते हैं ना TV में बैठ के, तो 90% समय में पॉलिटिक्स से ही संबंधित चीजों को देखते हैं। कैसे लोग, जिनके कुंडली के पंचम भाव में सूर्यदेव विराजित होते हैं। कुछ एग्जांपल हम ले लेते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का। ध्यान से समझिएगा, जो पंचम भाव है वह लोअर लेवल ऑफ चेस्ट है, स्टमक है, बेली है, वहां पर सूर्यदेव जब बैठेंगे तो सूर्यदेव क्या करते हैं, वहां पर चीड़ फाड़ से संबंधित बीमारी देते हैं। दो तरह की बीमारी होती है, एक लोग होते हैं जो दवाई खाने से ठीक होते हैं और एक लोगों को होती है सर्जिकल प्रॉब्लम। तो वहां पर सूर्यदेव बैठ के देते हैं सर्जिकल प्रॉब्लम, अपेंडिक्स से रिलेटेड परेशानी, हार्निया से संबंधित परेशानी, यह सारी चीजें देते हैं सूर्यदेव। महिलाओं के लिए वह गर्भ का स्थान है, प्री मेच्योर बेबी देना, मिसकरेज कराना, वहां पर बैठे हुए सूर्यदेव का काम है। एक और बहुत जबरदस्त आपको उदाहरण देता हूं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सूर्यदेव अग्नि के कारक हैं और पंचम भाव भी अग्नि को दिखाता है। जो पहला भाव होता है कुंडली का वह अग्नि भाव को दिखाता है, अग्नि के बाद पृथ्वी वायु और जल, चौथा भाव जल को दिखाता है, पांचवा भाव फिर से अग्नि को दिखाता है। तो एक तो पंचम भाव अग्नि भाव हो गया, सूर्य देव भी अग्नि तत्व को लिए हुए ग्रह है। तो जैसे ही अग्नि भाव में एक अग्नि ग्रह आकर बैठता है तो एसिडिटी की प्रॉब्लम देता है लोगों को, सबसे पहली बात। नंबर दो,
इसी प्रकार ना राशियों में भी पहली राशि अग्नि तत्व को दिखाता है, फिर अग्नि पृथ्वी वायु जल, पांचवी राशि फिर से अग्नि पृथ्वी वायु जल, फिर नौवीं राशि फिर से अग्नि पृथ्वी वायु जल, इस प्रकार से बारहवीं राशि जो है वह जल में जाकर समाप्त होती है। यदि पंचम भाव में कोई जल तत्व राशि आकर बैठ गया, ध्यान से समझिएगा, पंचम भाव में कोई जल तत्व राशि आकर बैठ गया और वहां पर सूर्यदेव आकर विराजित हो गए, क्या होगा? कल्पना कीजिए आपके पास एक बाल्टी ठंडा पानी है, उसमें आप एकदम गर्म लोहे को लाकर डुबा देंगे, गैस निकलेगा ना, क्यों? ठंडे पानी में एकदम गर्म चीज लोहा आकर जब बैठा तो वहां से गैस निकला, बुड़ 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 की आवाज आई। ऐसे लोगों के हर हमेशा पेट से धीरे धीरे खाना खाने के बाद आवाज आती है और इन्हें गैस्ट्रिक इरिटेशन की दिक्कत रहती है, क्यों? क्योंकि जल तत्व राशि में आकर अग्नि तत्व ग्रह आकर बैठ गया। समझ रहे हैं ना आप कॉम्बिनेशन हम कैसे एक के बाद एक निकालते जा रहे हैं? मैं हर हमेशा इस चीजों को बोलता हूं कि हमारा चैनल कॉमर्शियल चैनल नहीं है। मैं अपने चैनल में कभी भी यह रत्न खरीद लीजिए, यह चीज मैं बेच रहा हूं, इससे आप रातों रात अमीर हो जाएंगे, मैं ऐसा कोई चीज अपनी वीडियोस में नहीं बोलता हूं। हमारा चैनल जो है वह ट्यूटोरियल चैनल है, आप इन वीडियोस को देख के स्वयं अपनी कुंडली पढ़ सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप वाकई भविष्य की घटनाओं को हूबहू पकड़ सकते हैं, बस थोड़ा सा समय मांगता है, थोड़ा सा स्टडी मांगती है यह चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्यदेव राजा हैं, एक्सप्रेशन के कारक, अपने आप को व्यक्ति ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है, लोगों के सामने दिखा सकता है, और पंचम भाव तो मीडिया और इंटरटेनमेंट का ही है। टीवी सीरियल में, फिल्मों में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दिखने में बहुत सुंदर नहीं है लेकिन फिर भी उनका एक्सप्रेशन इतना जबरदस्त होता है कि लोग उनके साथ हर हमेशा अट्रैक्ट होते रहते हैं। पंचम भाव का सूर्य यह चीज देता है, लोगों को कैसे अच्छे तरीके से अपने आप में, लो जन समुदाय के बीच में अपने आप को रखना है, यह चीज पांचवा भाव का सूर्य सिखाता है। पांचवा भाव है लव का, रोमांस का। सूर्यदेव अग्नि तत्व है, सूर्यदेव चीजों को जलाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो लव अफेयर में तो पड़ते हैं लेकिन फाइनली उन्हें सफलताएं नहीं मिलती, पंचम भाव का सूर्य यह चीज देता है। और जिन्हें सफलताएं मिल जाती हैं, जिन्हें सफलताएं मिल जाती है, सामान्यतः वैसे लोग अपने से उच्च खानदान में जाकर शादी करते हैं। यह एक चीज भी देखा देखने में आता है, क्यों आता है? क्योंकि सूर्यदेव ग्रहों के राजा है, तो ऐसे लोगों का एक तो लव मैरिज होता नहीं है और हो जाता है तो अपने से हर हमेशा उच्च खानदान में हो। चलिए दोस्तों, आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में हम फिर एक नए विषय वस्तु के सामने लेकर आएंगे जिसमें हम सूर्यदेव कुंडली के छठे भाव में कैसा परिणाम देंगे, इस एक विषय वस्तु के विषय में बात करेंगे। आज के लिए आप सभी मुझे इजाजत दें, मैं अगले कार्यक्रम में फिर एक नए विषय वस्तु के साथ मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँगा। आज के लिए जय जय श्री राम।